भजन चकड़ी कंपटीशन किया जा रहा है और यह वीडियो का रिकॉर्डिंग करता बड़े भाई देवेंद्र देशवाल उड़िया कठुमर से पेड़ की संगति कर रहे हैं, मुरारी भाई नंगला देविया से और ढोलक की संगति दे रहे हैं, गौरव भट्टा बरौली से और मोयाम साहब डालेंगे चौधरी जल सिंह भटावली से लीजिए। सज्जनों हमारी लाली सुनीता कह रही है कि पहलो नंबर मेरो ही खुले तो साहब मेरो दूसरो ही खुले, ये कोई मेल नहीं है साहब हमारा। पर सुनिए भाई जितना भैया ने बहुत निवेदन करो और भैया ने क्यों कही अकाउंट में पैसा डरवा दू का, हम जवान के पक्के साहब राजस्थानी है, पैसे की बात नहीं होती है साहब। सतगुरु मिले और दे गए मोकू ज्ञान। सरदारों जब भी इंसान परमात्मा के यहां पे आवे एक ही वादा करके आवे के दीनानाथ एक बार मुझे जमीन पर भेज के तो देख, तेरो ही भजन करंगो, तेरो ही गुणगान करंगो, तेरो ही यश करंगो, पर एक पोत को जमीन पे भेज के तो दे। परमात्मा ने जीव की आवाज सुनी और जन्म दे दिया और वही इंसान हम तुम जैसे या जमीन पे आएंगे और जवान आती है ना यौवन अवस्था और वही इंसान परमात्मा के नाम को अवश्य भूले, ना कोई जीजा लगे कछु, ना कोई फूफा लगे, ना जीजी लगे, ना जीजा लगे, ना राम लगे, ना कन्हैया लगे। और जब आदमी के है जाना पुर्जा जान कब, जब बैरी बुढ़ापो आ जाए, जब खाट में बैठे बैठो कहा करें राम ले जा। अब क्यों कह रहो कर राम ले जा, 25 वर्ष की अवस्था ही तेरी, जब तेने ना कही के राम तुम हुए ले जा। अब तो क्यों केनी पर रही है, क्योंकि तेरी मजबूरी है, आंख ते तू दिखे नहीं, हाथ ते रोटी जमे नहीं, औलाद तेरी सेठ नहीं, का करें अब कौन रहेगा राम ले जा। और कभी चेता रहो है कैसे ए! और बालापन हसे और खेल गमायो आई जवानी और बड़ो इठिलायो और तू तो और यही पे धोखा खा गया, तेरो बेरी बुढ़ापा आ गया। देखो साहब मेरी मजाक करने की आदत है, ऐसे राजी है रे जैसे छाते पिल्ला पी के राजी हो जाए ना, ऐसे राजी है रे। अरे क्या बात है, देखो बहुत अच्छी बात, यूट्यूब घुमाओ नमाओ सा। और कभी कह रहा हूं हे बाला पन्नी हंस खेल गमाया आई जवानी, आई जवानी, पैसा नहीं मांगो साहब, पैसा तो मांगने की आदत ही ना, कोई रिकॉर्ड खोल के देख सकते हो मैं पैसा मांगता नहीं हूँ साहब। तो आइए कभी कह रहा हूँ इज्जत से गाना चाहिए स्टेज पर, जो इज्जत होती है, पर मैं आ गया हूँ निवेदन से। एक बार और आया था जब मेरी आवाज खत्म हो चुकी थी, प्रोग्राम करता हूँ रातों दिन के, इसलिए
कभी कह रहा हो क्या बात है बड़े भैया, बाला बने हंस खेल गमायो, आई जवानी बड़े खिलायो, यहीं पे धोखा चाचा यहीं पे धोखा खा गया तेरो बेरी बुढ़ापा आ गया, तेरो बेरी बुढ़ापा आ गया। आइए सजना, जिस भावना में भावना और वो भावना बेकार है और भाव से मुझको भजे तो भवते बेड़ा पार है। बहुत बहुत धन्यवाद है कलाकार के लिए, 10-10 रुपए आते हैं वो बहुत बड़ा महान आशीर्वाद होता है। इसलिए सज्जनों फरमाशाही जितना भैया की के भजन वो होना चाहिए और पूरा हो सा, बड़े भैया आपकी इच्छा पूरा भजन हो। सारी चीज तुम बताओ, जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है और भाव से मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो कि मेरे विध्वंस संतान ने दो चार बार अपने श्रवणों से नहीं सुना हो। गवैया को तरीका बढ़ंग अलग अलग होता है। स्टेज पे आएंगे गवैया, कोई रुआ के गावेगो, कोई रिशा के गावेगो, और एक गवैया आवेगो जानो लट्ठे लेके आवेगो। पर सुनिए मेरा गाना अंदाज अलग है, भैया की फरमाश। एक बार वो नारद जी सरयू नदी के किनारे वीणा वादन कर रहे थे, उसी सरयू नदी में एक सुंदर पुष्प बह के आयो, मुन नारद जी ने उठा लियो, बड़े गौर से देखो फूल बड़ा ही सुंदर था। नारद जी ने सोची इस फूल का मैं करूंगा क्या, अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करूंगा तो मुझे आशीर्वाद जरूर मिलेगा। वही किया, सभा में पहुंच गए और फूल को अर्पित किया गया। अब देखिए सज्जनों मराठी के माध्यम से आगे होता क्या है साहब। चले मुनो नारद और कृष्ण सभा में आए और कर दियो भेटे, अरे चाहते हर की मन में हर साए, कंपटीशन गारो ना काई बैठे, अरे का कमरा में घुस जाओ काई बैठे ना, कलाकार है के काई तो पा बैठ के काई बैठे ना, चले जाओ स्टेज पे जा भाई नंबर पे। है जी क्या कहा था, चले मुन नारद सभा में आए हैं, कर दियो भेटा कर दियो भेटा कर दियो भेटे, चाय की हर की अतमन में हर साए है, अतमन में हर साए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फूल को अर्पित किया गया और जब भगवान श्री कृष्ण ने जब फूल देखे तो आश्चर्यचकित रह गए, फूल बड़ा ही सुंदर था और कन्हैया ने गलती की, फूल को दे दिया सतभामा को। और रुक्मणी जब मालूम चली तो पहले जमाने में कोप भवन बनवाए जाए, जब बैयर महा चली जाई
तो आदमी समझ जाओ आज हमके हमारी बैयर नाराज है। कन्हैया समझ गए, रुक्मणी के पास में गए, रुक्मणी नाराज होने का कारण क्या है? प्रभु जी मुझे ये बताइए आपको सबसे प्रिय रानी कौन सी है? माने रुक्मणी तू का कह रही है मुकू तो 16,000 108 रानियां प्रिय हैं। रुक्मणी ने कहा अगर प्रभु जी अगर ऐसी बात होती जो नारद जी ने भूल दिया था वो मुझे क्यों नहीं दिया? कन्हैया सोच में पड़ गए रुक्मणी, मतलब यह है स्वामी मुझे ऐसा ही पुष्प चाहिए, अगर आपने नहीं दिया तो रुक्मणी जीवित नहीं रहेगी। कन्हैया सोच में पड़ गई है क्या हुआ, ठीक है रुक्मणी अगर तू कहती है तो ऐसा ही पुष्प लाके मैं तुझे दूंगा। सतवा माँ के महलों में गए, फूल ले लिया, सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए और योद्धाओं से कहा सुनिए इस फूल को देखते हो, गौर से देखिए और मुझे ऐसा ही फूल दूसरा चाहिए और जो कोई भी देगा मुझे फूल ला करके योद्धा वो कन्हैया से इनाम का हकदार होगा। लेकिन कहा क्या सुनिए झड़ के माध्यम से क्या कहा बेटा, अरे कृष्ण कही ललकार नवाए गए और नार गए बलहारी, कोई चंद्रवंशीन में कोई चंद्रवंशीन में, अरे जन्मियो नाए पीरे बालेदारी। सभा में बैठा हुआ था, खड़ा हो गया और कहा ए स्वामी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि चंद्रवंश के अंदर कोई ऐसा वीर नहीं है? सुनिए साहब अर्जुन ने क्या कहा और कैसे, और 100 रुपया का पुरस्कार बड़े भाई जितेंद्र जी दे रहे इनकी मार में कथा है साहब, या सुन के बड़े बड़े खुश है रे। आइए साहब जीवित भी नहीं आएगा और सुनियो उपदेश, भेड़ हक प्रिया हक चेटा हक, अगर चेटा चिबक जाना आदमी थे नार वाले टूट जाइयो पर छूटे के छूटे को ना, और भेड़ जा रही हो तुम सड़क पे प्रधानमंत्री और दे ले नहीं हटेगी, मंत्री दे ले नहीं हटेगी, किसान दे ले ना हटेगी, इसलिए भेड़ को हारने दियो मेरे भैया, हटे हटे और ना हटे। समाज में कोई रड़ुआ होए मेरो बुरो मत मानियो साहब, ये घर में रड़ुआ हटे तो न्यू समझो घर पर मैक्सी ट्रैक्टर खा रहे हो, ये घर में रड़ुआ भयो तो न्यू समझो घर पर मैक्सी ट्रैक्टर खा रहे हो, कमा कमा के देखो अपने आप
इसलिए कहना क्या है, खेड़ को हारा ले दियो मेरे भैया, और हटे हटे और ना हटे रड़ुआ और ब्याज को पैसा पटे पटे के। हाँ जी रड़ुआ और ब्याज को पैसा तो ये गांडीधारी अर्जुन जीवित नहीं आएगा। गांडी उठा लिया, कन्हैया देख रहे हैं अर्जुन लेके आवेगो कि नहीं आवेगो। चौक के माध्यम से सुनिए, उसे अर्जुन ने करो कहा साथ, यारे चली दिया पा रथ बलधारी और घूमो तीनों लोक मजारी। सुनो साहब, ये तो भजन जिकड़ी है, अगर रागनी होती और गानों कौन सो चलता, तू बन जा पल में सब प्यारो या पीने बजा मत में। तो बड़े बूढ़े आंख ने टिटिया के देखते है, मजा आ रहा बहुत तगड़ा। हाँ घर आंख ने नहीं हटाते, ये तो जकड़ी तू बन जा पल में सब प्यारो या पीने बजा मत में। मुए कारो नाग सता को जहर मेरी पुर गयो नस नस में। सुनने ये छोरा तक आ गया छोरा, गाना तो ये बज रहा वादा ही या ये खलता। तो देखिए समाज ऐसी रह गई हमारी, और जब मैं गा रहा हूं शुद्ध बात कोई को ध्यान ना हो। गांडीधारी कहां पहुंच गो फूल ले वे, और आइए साहब कभी का कह रहो बेटा, तो फूल को पायो जी तो दक्षिण दिशा कूदायो। सबरा घूम रो दक्षिण दिशा रह गई, फूल ना मिलो पर वह कहा, और ना पतो फूल को पायो जी तो दक्षिण दिशा कूदायो। पब्लिक में बहुत कम जाता हूँ साहब, जो इनाम देनी है यही दीजिए, और गाना स्टेज का ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ स्थान सरस्वती का यहाँ रखा है, ना कि नीचे रखा है। आइए साहब क्या कहा, ना पता फूल को पायो जी तो दक्षिण दिशा कूदायो। हाँ साहब टेम है गो राम राम। आइए साहब सिंह ईश्वरती दक्षिण दिशा रह गई, द्वारे पे ठाड़े की चार रखवारे। अर्जुन से कहने लगे कहाँ जाओ प्यारे, बगीचा मिल गो सुंदर। अर्जुन घुसे चले गो, बानर पहरेदार थे। अर्जुन थे कई भैया तू ऐसे क्यों घुस रहो, कहा बात है भानुभक्त जी, जा खोज को मैं आया हूं, मेरी खोज इस बगीचे पर समाप्त होती है। तो क्या कहा बानरों से, और अंतिम विराम मेरा यहीं रहेगा, और अगला नंबर आएगा कथा भी यहीं से आपको सुनने को मिलेगी, और बड़े बूढ़े से पूछूंगा और मेरी कथा का विराम भाई। अरे पूजन को चाहिए सुमन
गांडीधारी अर्जुन कौन थे कह रहा हूं? बानरन थे। क्यों आया हूं? पूजन को चाहिए सुमन और खोजत भयो है राज से तोड़ के मती करो परेशानी यो बानर को चाहिए सुमन, क्योंकि मैं पूजा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की। अगर आपने फूल नहीं दिया से बगीचे से तो तुम्हारी औकात नहीं मुझे रोक सको, और फूल लेके जाऊंगा इसी बगीचे से। भूल गया था, पूजन को चाहिए सुमन को जते भयो हैरान राज से तुम